दोस्तों आज की वीडियो में बात करें कैसे आपके मोबाइल का डेटा ट्रांसफर होगा कंप्यूटर में, क्योंकि एंड्रॉइड 9 के अपडेट के बाद जो पाई वाला अपडेट आया उसके बाद काफी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों फाइल ट्रांसफर करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ वन प्लस थ्री का, जो मेरे पास फोन है उसी का। आपके पास वन प्लस सिक्स हो, वन प्लस सेवन हो, या कोई भी वन प्लस का डिवाइस हो या फिर अदर ब्रांड का डिवाइस हो, प्रोसेस सबका सेम होने वाला, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है स्टेप में, लेकिन ओवरऑल जो स्टेप्स होगा वो यही होने वाला है। और दोस्तों प्रॉब्लम ऐसी है कि जैसे आप आपका डेटा केबल है लगाते हो आपके कंप्यूटर में और आप देखते हो कि आपका कोई भी डेटा दिख नहीं रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आपका फोन ओपन करना है। फोन ओपन करने का जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है अबाउट फोन में। अबाउट फोन ओपन होने के बाद आपको जाना है बिल्ड नंबर पे, और बिल्ड नंबर पे आप देखोगे आई का एक ऑप्शन है, मतलब ये आइकन, सॉरी ऑप्शन नहीं, आई का एक आइकन है, उस पर क्लिक करना है चार या पांच बार। और यहाँ पे मेरे फोन में आप देख रहे हो ऑलरेडी लिखा नो नीड, योर ऑलरेडी ए डेवलपर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे तीन चार बार क्लिक करके एक्स को एक्टिवेट कर लिया। तो सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट करना है। डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, अब आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको आना है सिस्टम में। सिस्टम में आने के बाद डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन है, उसको अनेबल करना है। अगर डिसेबल है तो उसको अनेबल कर लीजिए। उसके बाद ऑप्शन है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन का, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आप देखोगे तरह तरह के ऑप्शन है, उसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है फाइल ट्रांसफर का। दोस्तों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था वन प्लस थ्री डिवाइस का, अगर आपके पास कोई भी फोन हो उसमें स्टेप्स यही होने वाले। अगर दूसरा कोई ब्रांड है वन प्लस के अलावा तो उसमें हो सकता है आपको सिर्फ डेवलपर ऑप्शन बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड हो, तो उसमें सिर्फ आपको डेवलपर ऑप्शन डिबगिंग ऑप्शन ऑन करना है, और उसके बाद सिर्फ आपका डिफॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फाइल ट्रांसफर बाय डिफॉल्ट हो चार्जिंग के मोड में होता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर भी अगर आपका कोई भी कुछ सवाल है, कोई भी सुझाव है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करना, जोर से दबाकर लाइक कर दो, इसी के साथ शेयर करो, और जो लोग नए हैं हमारे हैप्पी गाइड चैनल को सब्सक्राइब करो, ये कंप्लीटली फ्री है आप सभी के लिए। और आपको मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी हैप्पी गाइड, बाय बाय।